गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है सपना पांडे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो गाइस, आज मैं ब्लॉग मतलब बहुत दिनों बाद भी बना रही हूँ, 3-4 दिन बाद, और आज है धनतेरस। तो आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। और मैं जा रही हूँ आज थोड़ा बहुत सामान लेने मार्केट की तरफ। तो गाइस, मैं अभी आई हूँ चिनीगोट यानी कि अपने मायके। तो अब मैं जाती हूँ और आज मैं अपने तीनों बच्चों को अपने घर भी ले जाऊँगी पूर्णागिरी। हाँ, और गाइस आयंस बोल रहा है पीयू की दीदी का बर्थडे भी आने वाला है। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, बच्चों को यहीं छोड़ के फिर उसके बाद अपने बच्चों को भी लेके जाऊँगी मैं पूर्णागिरी को। सब मैं जाने लग गई हूँ। मम्मी लोगों के अच्छे अच्छे फूल, इसमें से मैं थोड़े से अपने लिए भी लेके जाऊँगी अभी जाते टाइम। को सबसे पहले मेरी मौसी ने बोया है धनिया, कितना बराबर जमा है। और ये है फूल, और मौसी की चल रही है अभी साफ सफाई, आज है धनतेरस। और ये है मौसी की तुलसी माता, सही किया है ऐसे ही लपेड़ देते। और ये है फूल। अब हम पहुंच गए हैं मार्केट, और मार्केट पहुंच के कर रहे हैं शॉपिंग। ये हैं अपने पार्थ के लिए 2 पैजामे। गाइस, मार्केट में लगी है बहुत सारी भीड़। ये और मेरे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा क्या लो। इसमें से मेरे लिए ये वाले निकाल दो। तो गाइस, सब मैं ले रही हूँ ये माला, यहाँ से ले लिए मैंने ये कैलेंडर इनसे। मैं आई हूँ दीपावली की शॉपिंग करने, और ये दीदी मिल गई हैं। ये ले लिए है मैंने ये सामान ये दीदी जी की दुकान से। और यहाँ लगी है बहुत सारी भीड़ मार्केट में। ये दुकान है पूरी फोटो खींचो। हाँ, तो गाइस ये है दीदी लोगों की दुकान, और मैं भी ले गई हूँ यहाँ से सामान, आप लोग भी आना लेने। वही और दीदी की दुकान, और मैं तो ले गई यहाँ से सामान, आप लोग भी ले जाना। गाइस, यहाँ पे से लेने लग गई हूँ मैं ये प्रसाद। धनतेरस के दिन लेते हैं झाड़ू, मैंने तो ले लिया ये झाड़ू। बाजार से मैं सामान लेके आ गई हूँ, अब बच्चों को कर दिया है रेडी, और अब हम जा रहे हैं। तो मैं पहले थोड़े से फूल दिखा देती हूँ मम्मी लोगों को। ये फूल थोड़ा सा ऐसे हो गया, बंदर आते हैं आजकल यहाँ, बहुत बड़ा आतंक फैलाए रहते हैं। और ये भी है, तो गाइस ये है कितने खूबसूरत फूल खिले हैं ये। इसमें से थोड़े मैं लेके भी जा रही हूँ, और फिर थोड़ी मम्मी कल को पति दी पाएंगे मार्केट, तो मम्मी भिजवा देगी। है आयंस, अरे यहाँ को देख, अब देखो। और ये हैं पीयू और पार्थ। अब तीनों तीन खड़े हो जाओ, अंशु भैया के संग ऐसे यहाँ पे खड़े। पार्थ और अंशु पीयू चलिए अपने घर। तो गाइस, पतिदेव चले गए हैं आगे को, और मैं भी जा रही हूँ ये सामान वामान लेके। कट्टा रखे हैं यहाँ पे ये, और ये मैं हूँ, और रात भी होने वाली है। चलो हम अपने घर पहुँच ही गए टाइम से, थोड़ा उजाले में। पार्थ बैठ गया अपने पापा के साथ, और 2-3 दिन में दिख रहे हैं मेरे को मेरे पति देव। और ये है पीहू, और ये है आयान से। ये तेरी नहीं है, ये शराब पीने वालों की कहाँ से लाए। और गाइस, पति देव ने ये लाइट वाइट भी लगा रखी है, और ये मैं एफर्न डाल के गई थी। तो गाइस, चलते हैं अंदर की ओर, और यहाँ हुए हैं ये हाल।
तो सभी लोग कर लीजिए भगवान के दर्शन। और आज है धनतेरस, हमारी हो चुकी है शाम की पूजा पाठ। मैं मार्केट से सामान लाई हूँ, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। स्टार्ट कर रही हूँ मैं फूलों से। दो गुलदस्ते लाई हूँ मैं, ये दिया और ये भी हैं दिया। बार में से फट भी गए हैं। और इसमें है मोमबत्ती। मैंने जिद करी थी कि मैं रंगोली बनाऊंगा मेरे लिए लेके आना, तो मैं ये लेके आई हूँ कलर। अब बनाए ना बनाए जो भी करें, मैं लेके आ गई बच्चों के लिए। बच्चे बनाएंगे ठीक है, नहीं तो मैं भी बनाऊंगी, टाइम मिलेगा तो। इसमें है काबली चना और ये मैदे के पैकेट, बिस्किट और नमकीन। सारी चीज़ें दिखा देती हूँ मैं आपको जो जो लाई हूँ। मैं लाई ये कप का सेट, मुझे बहुत पसंद आया। और आप लोगों को कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो मैं लेके आ गई इसको। मैं मूर्ति लक्ष्मी गणेश जी की, ये मैंने पैकिंग कर दी है प्रसाद की भी, क्योंकि बच्चे खाना दे करके, क्योंकि बच्चे तो हर किसी के मीठा खाने के लिए वही करते हैं, तो मैंने बंद कर दिए। अब मैं इसको रख देती हूँ, फिर लक्ष्मी पूजा के दिन निकालूंगी। जय मम्मी ने बच्चों के लिए दूध, और वो आयन से खड़ा है, ये पति देव इसको लेके जा रहे हैं किचन में। कोई ऐसा मुंह क्यों बनाया, जाओ जाओ बचा क्या। इस मैंने ये झालर लेके आई थी, ये भी लगा दिए हैं। और कमरे की सेटिंग वेटिंग करी अभी थोड़ी बहुत ऐसे ही। और यहाँ पे भी लगाया मैंने ये पोस्टर, और यहाँ पे भी लगाया ये, और ये भी लगाया भैया दूज वाला, और लक्ष्मी माता का यहाँ पे लगाया। और गाइस यहाँ पे चली है माता रानी की दिया। तो गाइस सभी लोग कर लीजिए माता रानी के दर्शन। और ये मैंने करी थी सजावट, अपन डाले थे। कैसी लग रही है मेरी मंदिर की सजावट?